संजली किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए फ्रेंच फ्राइज़। आप जानते हैं फ्रेंच फ्राइज़ बाज़ार में जो हम खाते हैं कितनी टेस्टी लगती है, सेम टू सेम मैं वैसी फ्रेंच फ्राइज़ आपको घर में बताने वाली हूँ। बहुत ही कम समय में बहुत ही लाजवाब फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह से बनाई जा सकती है घर में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बना रखी है फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह से लग रही है, मार्केट जैसी लग रही है नया, इसी तरह सेम मैं आपको आज बताने वाली हूँ किस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पे चार आलू लिए हैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए और मैंने इसको पहले से छील के रख लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसे छील के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम काटेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे काटना है। इस तरह से हम इसे काटना है, पहले हम इसे किनारे निकाल लेंगे दोनों इस तरह से, उसके बाद इस तरह से इसे काटेंगे। अब इस तरह से सीप देंगे, इस तरह से मैंने काट लिया। आप देखिए मैंने इस तरह से इसे काटा है, आप चाहें तो इसे आप पतला भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सर को काट लिया है, मैं आपको और एक बार काट के दिखाती हूँ। इस तरह से इनकी किनारी को हम निकाल लेंगे, इस तरह से सारे को हम काट लेंगे। आप देखिए किस तरह से मैंने इसे लंबे लंबे काटा है, इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सारे एक साइज में लगभग मैंने इसे काट लिया है। अब इस तरह से हम और भी जो हमने जो आलू लिया था इसे मैं आप काट लूँगी। मैंने सारे आलू को इस तरह से काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू को हम पानी में भिंगाएंगे, इसके सारे स्टार्च को निकालेंगे, नहीं तो आलू काले हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, देखिए इस तरह से इस बर्तन में सारे आलू को हम डाल देंगे और अच्छी से धो लेंगे। मैं आलू को लगभग 3 से 4 बार धोऊंगी ताकि इसके सारे कालापन स्टार्च है वो निकल जाए। अब इसे मैं क्या करूंगी, फिर से एक दूसरे पानी में डालूंगी, निकाल के फ्रेश पानी में फिर से इसको धोऊंगी बढ़िया से इस तरह से। हमने सारे आलू को बढ़िया से 3 से 4 बार धो लिए हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे इसमें आलू को निकाल देंगे। यहाँ मैंने एक कपड़ा लगाया है ताकि आलू की जितनी भी पानी हो इसे अच्छे से सोख ले। इस तरह से ताकि हम जब फ्राई करें तो उसमें से पानी के छींटे नहीं आए, इस तरह से हमने इसे कर लिया है। अब जब ये पानी सोख ले रहा है इसे 2 से 4 मिनट हम ऐसे छोड़ देंगे, पानी सोखने के बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। हमारा पानी अच्छे से सोख लिया है, आप देख रहे हैं इसे मैंने अच्छे से इस तरह से पोंछ भी लिया था, एक ऊपर से प्रेशर दे के हल्का हल्का इसका पानी सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे इस प्लेट में इसे निकाल लेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कुछ मसाले लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सजवान चटनी ली हुई है लगभग 2 चम्मच, हाफ चम्मच मैंने यहाँ रेड चिल्ली पाउडर ली हुई है, ड्राई रेड चिल्ली पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया हुआ है और अरारोट लिया हुआ है लगभग 4 चम्मच। अब हम इस मसाले को आलू में मिलाएँगे और यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर भी लिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो नमक लिया था 1 चम्मच, मैं वो इसमें मिला दे रही हूँ। लाल मिर्च मिला रही हूँ, ये लाल मिर्च हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। सजवान चटनी मिलाएंगे, अब हम इसमें फूड कलर मिलाएंगे, पहले थोड़ी सी मिला के देख लेंगे। लगभग 1 पिंच मैंने इसमें फूड कलर डाला है, अब इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। आप कलर देख के समझ सकते हैं कि कितनी टेस्टी लगने वाली है ये फ्रेंच फ्राइज, देख के समझ में आ सकता है। देखिए कितना सुंदर कलर आया इसमें, इस तरह से बढ़िया से इसे हम अच्छी से सभी फ्राइज़ में मिला देंगे। आप देख रहे हैं कि इसका कितना सुंदर कलर आया है, सभी मसाले हमने मिला दिए हैं, इस तरह से इसका कलर आया है। इससे पहले हम इसमें अरारोट मिलाएंगे। मैंने आपको बताया था मैंने इसमें 4 चम्मच अरारोट लिया है, लेकिन तुरंत से हम इसमें 4 चम्मच नहीं डाल देंगे, पहले हम इसमें 2 चम्मच डाल के देखेंगे कि इसमें कितना सारा लगता है।
आरारोट डालने का एक ही रीज़न है, आरारोट डालने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगी, क्रंची बनेगी, बाजार जैसी फ्रेंच फ्राइज बनने वाली है। इस वजह से मैंने आरारोट इसमें मिलाया, मैं थोड़ा सा और मिला रही हूँ ताकि सारे इसमें अच्छे से मिल जाए। मैंने जो 4 चम्मच आरारोट लिया था मैंने सभी को मिला दिया है, मैंने मिला के देखा कि हाँ इसमें सारी लग जाएंगी। आप जब भी घर में बनाएं तो पहले आधा डाल के ट्राई करें कि कितनी इसमें लग रही है, उसके बाद आप सारी मिलाएं। आप देखिए कितनी अच्छी हुई है, इसे मैं बढ़िया से मिला ले रही हूँ। इस तरह से चारों तरफ बढ़िया से हमें इसे कोटेड कर देना है। अब हमारे ये अच्छे से मिल चुकी है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर कलर आ गया है इसमें, ये कोटेड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे डीप फ्राई करेंगे। आपको मैं बताती हूँ, पहले से मैंने यह फ्राइंग पैन लिया हुआ है, इसे मैंने गर्म करके रखा हुआ है, तेल इसमें गर्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक टुकड़ा इसमें मैं डाल के कि तेल गर्म है हमारा, ये देखिए इस तरह से, देखिए ऊपर आ गया तेल गर्म है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम में कर दिया। अब इसमें हम जो हमने आलू काटे थे, मसाला मिला के रखे थे, वो इसमें हम डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। मैंने ये सब क्या किया, लो फ्लेम में रख दिया है। इसे हम धीरे धीरे अब ये फ्राई करेंगे, इसे हमें ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। इसे मैंने अब लो फ्लेम में रख के इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि यह हमारी फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रही है, कितनी सुंदर इसमें कलर आ रहा है। इसे मैंने 2 मिनट के लिए पहले लो फ्लेम में फ्राई किया था, उसके बाद इसे मैंने मीडियम फ्लेम में रख दिया और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अंदर से इसे हमें सिजाना भी होता है, तो इसलिए मैंने पहले इसे लो फ्लेम में रख के अच्छे से अंदर से इसे सिजा लिया था। ये कच्ची थी इसीलिए अब इसे मैंने मीडियम फ्लेम में रख दिया, अब मीडियम फ्लेम में इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने गैस को हाई फ्लेम में रख दिया है, हमारी अच्छे से सीज चुकी थी अंदर से, अब हाई फ्लेम में रख के मैं इसे क्रिस्पी कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और लाल लाल हो। इस तरह से इसे हमें बनाना है। आप देख रहे हैं कि हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो बचे हुए फ्रेंच फ्राइज थे, पोटैटो थे, वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप देख रहे हैं कि हमारी ये फ्रेंच फ्राइज भी, ये भी रेडी हो चुकी है, इसे भी मैं निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं कि हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुकी है, किस तरह से इसमें कलर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी क्रिस्पी भी बना है। इस तरह से आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे मैं दिखाती हूँ, अगर इसे आप बाजार से बनाना चाहते हैं तो इसमें आप मेयोनीज ऊपर से डाल सकते हैं। इस तरह से इसमें आप थोड़ी सी मेयोनीज ऊपर की तरफ से डाल दीजिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से हम मेयोनीज भी ऊपर से डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें सॉस भी डाल सकते हैं, बाजार में इसी तरह से आती है। इस तरह से आप इसे घर में खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। लग रही है ना, ये बहुत अच्छी सी फ्रेंच फ्राइज। इस तरह से आप अपने घर में बाजार जैसी मेयोनीज डाल के बाजार जैसे इसे फ्रेंच फ्राइज आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर आपको मेरा यह फ्रेंच फ्राइज वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।